हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड यस कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर करें। तो आज जो मैं रिएक्शन वीडियोस बनाने वाली हूँ बसंती जी के ऊपर, तो मैं रेगुलर वीडियोस बनाती ही हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा कि अक्सर उनके लिए मैं सपोर्ट करती हूँ, उन नेगेटिव कमेंट्स का जवाब देती हूँ जो उनके लिए खड़े होते हैं या जो उनसे सवाल करते हैं, क्योंकि इस समय वो इस स्थिति पर नहीं है कि अपने ऊपर उठने वाले हर सवाल का या अपने ऊपर उठने वाली हर उंगली का जवाब दे पाएँ। और मुझे जो सही लगता है वीडियो देख के उसके अकॉर्डिंग मैं अपना रिएक्शन देती हूँ, भले ही मुझे वो किसी की भी वीडियो देख के सही लगे। मेरा काम है रिएक्शन देना बिना किसी के ब्लाइंड सपोर्ट के। मुझे जिस वक्त जो चीज़ सही लगती है मैं उस वक्त उस चीज़ पर रिएक्शन अपना ज़रूर देती हूँ। तो अभी जस्ट मैंने अनीता जी का व्लॉग देखा और उनके व्लॉग के नीचे जब मैंने कॉमेंट्स देखे तो पिछले काफ़ी दिनों से उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉमेंट्स आ रहे हैं। मतलब एक होता है नेगेटिव, एक होता है ट्रॉलिंग। इतनी बैडली उनको ट्रॉल किया जा रहा है, इतनी बुरी तरीके से उन्हें ट्रॉल किया जा रहा है, जैसे कि इस सारे इंसिडेंट जो भी बसंती जी के साथ हुआ है उसमें सब कुछ गलती अनीता जी की रही हो। इस तरीके से उनको, इस कदर उनको बददुआएं, इस कदर उनको ट्रॉल किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब यहाँ तक बात आ गई है कि बसंती जी को अपना जो रिव्यू सेक्शन है, मतलब जो कॉमेंट सेक्शन है, वो रिव्यूज़ पर डालना पड़ गया है। तो अब आप देख सकते हो कि उनके कॉमेंट सेक्शन में एक एक दो दो घंटे पुराने कॉमेंट होते हैं, क्योंकि उनको हेल्ड फॉर रिव्यू डालना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरीके के कमेंट्स कोई अपने लिए नहीं सुन सकता। जिस तरीके की हेट और जिस तरीके का नेगेटिव कमेंट उनको वहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि आप एक बंदे के साथ सिंपथी दिखा रहे हो, एक बंदे को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप अगर एक बंदे को सपोर्ट कर रहे हो तो आप दूसरे बंदे को बद्दुआ नहीं दे सकते। अगर आप एक बंदे का दुख बांट रहे हो तो आप दूसरे बंदे को उसी दुख की बद्दुआ नहीं दे सकते। ये चीज़ें गलत हैं। और देखिए, अनहोनी को कोई भी टाल नहीं सकता, और आप लोग गवाह हो इस बात के कि इस फैमिली के बीच में दूरियां बहुत पहले ही आ चुकी थी, बंटवारा बहुत पहले ही हो चुका था। दूरियां मतलब प्यार मोहब्बत भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था। और उसके ऊपर जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय अनीता जी का परिवार यहाँ पे मौजूद नहीं था। जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री से या इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा उसूल ही यही होता है। शायद आप में से बहुत लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं होगा, बट मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कई बार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या टीवी सेलिब्रिटीज़ को ये बात बोलते हुए देखा होगा कि जब हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या जब हम किसी शूट पर होते हैं तो हमारे घर में भी अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है ना, तब भी हम वहाँ पर ऑन द स्पॉट नहीं पहुँच पाते। तब भी हमें पहले अपना वर्क कमिटमेंट कंप्लीट करना होता है और उसके बाद हम अपने घर की तरफ भागते हैं। अधिकतर आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की आप बीती सुनी होगी। मुंबई को माया नगरी इसीलिए ही नहीं बोला जाता, मुंबई को माया नगरी इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि मुंबई में लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, और ख़ासकर जो इंडस्ट्री वाले हैं, टीवी इंडस्ट्री वाले हैं, वो इन चीज़ों को लेके बहुत प्रैक्टिकल हैं। उनका एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर बॉन्ड होता है, ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई ब्रीच कर सकता है, ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई बॉन्ड को कोई तोड़ सकता है। तो ये सिर्फ अनीता जी की फैमिली ही एक ऐसी फैमिली नहीं थी जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को, जिन्हें मानना पड़ा। ऐसे बहुत सारे आप लोग टीवी स्टार्स देखोगे जो कई बार बताते हैं कि हमारे घर में इतनी शादी के फंक्शंस निकल जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, लेकिन हमें अपना जो कमिटमेंट है वो पूरा करने के बाद ही जाना पड़ता है। ये हमारे साथ ऐसी चीज़ें बहुत बार हो जाती हैं, तो वही कुछ सिनारियों इनके साथ भी हुआ होगा। तो उस चीज़ में ठीक है, आप लोगों ने नाराज़गी जताई, वो ऑडियंस का हक बनता है, क्योंकि ऑडियंस कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। भले ही इन लोगों के बीच में अब वो पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी जनता एक्सपेक्ट करती, क्योंकि जनता के दिल जो है वो मासूम है, जनता मासूम होती है। इतनी दूर से जब कोई किसी का दुख दर्द समझ पा रहा है तो ये उम्मीद करता है कि परिवार का बंदा तो समझे ही समझे। तो उनकी नाराज़गी चलो जेन्युइन है, समझ में आता कि वो नाराज़ थे, कि ऑन द स्पॉट आना चाहिए था, किसी को तो टाइम पे आना चाहिए था, सब लोग अपना टाइम लेके आराम से आए, उस चीज़ पे नाराज़गी थी, ठीक है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे आ गए। वीडियो में आना ना आना ये अपनी उनकी खुद की मर्ज़ी है, पर अगर देखा जाए तो अनीता जी भी वीडियो व्लॉगिंग बना सकती थी, क्योंकि ये व्लॉगिंग का ही खेल है। 8-10 मिनट में कोई अपने आप को दिखा दे तो ऑडियंस मान जाएगी कि हाँ ये तो यहाँ पे मौजूद थे, भले ही वो 8-10 मिनट से ज़्यादा पूरा दिन वहाँ से गायब रहा हो, लेकिन 8-10 मिनट के व्लॉग पे हमारी जो ऑडियंस है वो ये कन्विंस हो जाती है कि जो बंदा 8-10 मिनट के व्लॉग में दिख रहा है दैट मीन्स कि वो वहाँ पे मौजूद है। तो वो चाहते तो यहाँ पे अनीता जी भी बहुत स्मार्ट खेल सकती थी और अपनी जो रेपुटेशन उनकी बन गई है इस रेपुटेशन को क्लियर कर सकती थी, पर उन्होंने नहीं डाली।
उन्होंने सिर्फ एक व्लॉग डाला था अपना मुंडन वाला व्लॉग, और वो डालना भी कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी बन गया था क्योंकि सबको ये लग रहा था कि शायद ये लोग यहाँ पे आए ही नहीं है, या ये लोग सेरेमनी जो है, ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इसीलिए वो मजबूरी में वो चीज़ें डाली। उसके अलावा उन्होंने उनके कॉन्टेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी, क्योंकि अगर सेम टाइम पर दोनों चैनल्स में सेम चीज़ें डलती तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बसंती के खुद के व्यूज़ में भी पड़ता। अगर आप प्रैक्टिकली ये चीज़ें सोचें, मैंने बोला ना नेगेटिव सोचने पे आए तो हम लोग बहुत कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं, बट अगर हम कुछ पॉजिटिव सोचने पे आए तो एक पॉजिटिव ये भी है कि अगर सेम व्लॉगिंग या सेम वीडियो वो भी डालती तो कहीं ना कहीं व्यूज़ डिवाइड हो जाते, कहीं ना कहीं जो व्यूज़ बसंती जी को मिल रहे हैं वो व्यूज़ इधर भी जाते, तो इसीलिए उन्होंने उनके कॉन्टेंट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी। और अगर आप लोगों ने बसंती जी को वीडियो बनाना अलाउ किया, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी घर गृहस्थी इससे चल रही है और नो डाउट उनको ज़रूरत भी है और उनको वीडियो डालनी चाहिए, मैंने खुद इस चीज़ के लिए हामी भरी है, लेकिन वहीं आप दूसरे परिवार को वीडियो और व्लॉग डालने से मना नहीं कर सकते। और वैसे भी उन्होंने 5-6 दिन तक वीडियो व्लॉग नहीं डाला था, 5-6 दिन के बाद उन्होंने अपनी वीडियोस डालनी शुरू करी, वो भी उन्होंने अपना पुराना कंटेंट डालना शुरू किया क्योंकि वो अपने पुराने कंटेंट को बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकते थे, वरना फिर उस कंटेंट का उनका कोई भी यूज़ नहीं होता, शो भी टेलीकास्ट हो गया, शो भी ऑन एयर हो गया और उसके बाद उनका वो कंटेंट आ रहा है, तो वैसे भी उस कंटेंट में उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया क्योंकि वो कंटेंट उनका पहले आ जाना चाहिए था, जो 5-6 दिन का उन्होंने व्लॉग अपना मिस किया था उस दौरान वो आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो कंटेंट डिले किया, और इससे ज़्यादा डिले करते तो उनके उस कंटेंट का कोई भी फ़ायदा नहीं होता और उनके पास बैकअप में और कोई कंटेंट था भी नहीं और है भी नहीं, वो अब इसके अलावा क्या दिखाएंगे। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि उन्होंने अपने वीडियो से रिलेटेड काफ़ी लॉस झेला है, बींग अ यूट्यूबर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इस बारे में नॉलेज ना हो, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ऑलरेडी उन्होंने अपने कंटेंट पे बहुत लॉस बियर कर लिया है, उसके बाद भी उन्होंने जो अपनी व्लॉगिंग है वो पुरानी ही डाली, ज़्यादा कुछ व्यूज़ भी नहीं आए, जो आ सकते थे लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद उन्होंने आज अपना एक रूटीन और एक नॉर्मल व्लॉग दिखाया जिसमें लोग अब इस चीज़ से जज कर रहे हैं कि रो नहीं रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा चल क्यों रहे हैं, ऐसा खा क्यों रहे हैं। तो देखिए, किसी को जाना था वो इस दुनिया से चला गया, जिस तरीके से हम बसंती जी को बोल रहे हैं कि लाइफ में मूव ऑन करो, जिस तरीके से हम बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चों खाओ, अपनी रूटीन में आओ, अपने लाइफ की रूटीन में आओ, अपना स्कूल जाओ, अपना पढ़ो, अच्छे से लिखो, दादाजी भी अच्छे से खाना वाना सब अपना प्रॉपर खा रहे हैं, एक दो व्लॉग में हमें बसंती जी भी थोड़ा मुस्कुराती हुई दिखी, वो भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हैं, वहीं पे अगर सामने वाले ने अपना एक नॉर्मल व्लॉग दिखा दिया तो उनके एक नॉर्मल व्लॉग को भी इतनी गलत तरीके से जज किया जा रहा है। सपोज़ कि अगर वो अपने व्लॉग में आपको रोता हुआ दिखा दे तब भी लोग उन्हें जज करेंगे कि व्लॉग में कंटेंट के लिए रो के दिखा रही है, अगर वो व्लॉग में हंस दे तो वो हंस क्यों रही है, वो व्लॉग को एक नॉर्मल तरीके से लेके जा रही है, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ में जज नहीं करना चाहिए। बाकी फैमिली के बीच में जो सपोर्ट है और जो प्यार है, वो प्यार तो हमें भी दिख रहा है कि वो प्यार गुम हो गया है, अब उस प्यार को आप या हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं ला सकते, ज़ोर ज़बरदस्ती से तो थोपने वाली चीज़ें हो जाएंगी कि आप ज़बरदस्ती एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को थोप रहे हो, जबकि सामने से ये नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में गांठ तो बहुत पहले ही बंध चुकी थी, बस फॉर्मेलिटी चल रही है और नो डाउट थोड़ा बहुत दुख होता है तो वो दुख होगा उनके अंदर, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ टाइम है, और इस तरीके से नेगेटिव किसी को बोलना ये भी अपनी ज़ुबान गंदी करने वाली बात हो जाती है कि आप किसी को इतनी बुरी तरीके से ट्रॉल कर रहे हो कि उसके हंसने में प्रॉब्लम है, उसके खाने में प्रॉब्लम है, उसके व्लॉग देखने में प्रॉब्लम है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है, इससे बेटर है कि आप किसी को देखो मत, लेकिन इस तरीके के सामने वाले को कॉमेंट ना करो, क्योंकि यकीन मानिए जो कॉमेंट्स आते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत चुभते हैं दिल में। यही चीज़ें मैंने बसंती जी के लिए भी बोली कि आप उनको भी इस तरीके के कॉमेंट ना करें, और मैं यही बोलूँगी कि बियॉन्ड द लेवल बिलो द बेल्ट जाके आप प्लीज़ अनीता जी के लिए भी कॉमेंट ना करें, लोग उनके बच्चों के मरने की बद्दुआ कर रहे हैं, पति के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके खुद के लिए अनाप शनाप, उनकी बेटी के लिए अनाप शनाप, प्लीज़ यार ऐसा मत कीजिए। आप लोग एक पढ़ी लिखी ऑडियंस हो, जहाँ पे आप एक तरफ एक बंदे का दर्द समझ रहे हो वहाँ पे दूसरी तरफ आप दूसरे की भी इंसानियत समझो, और ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि इन लोगों के बीच में जो चीज़ें थी ना वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, तो अब ज़्यादा उम्मीद हम इनसे नहीं कर सकते, जितना इन्होंने कर दिया कर दिया,
आप इन लोगों को अपने अपने हाल पे जीने देते हैं, इनको ज़्यादा ट्रॉल मत करो। हाँ, आप लोग ऑडियंस हो, आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ, अपना रिएक्शन दे सकते हो एज़ पर देयर वीडियो, एज़ पर देयर व्लॉग्स, बट उसकी एक सीमा होती है। प्लीज़ उस सीमा के पार मत जाओ। अपनी नाराज़गी दिखाने का एक तरीका होता है। आप ऑडियंस हो, आप सामने वाले को व्यूज़ दे रहे हो, आपके भरोसे सामने वाले का घर चल रहा है, तो आप लोग बोल सकते हो। लेकिन मैंने वही बोला, बोलने का लेवल इतना रखो कि जितना आप खुद भी अपने लिए कभी झेल पाओ। इतना सामने वाले को बोलो, इतना गंदा मत बोलो कि मेरे को कमेंट पढ़ते हुए मुझे खुद इतना अजीब सा हो गया, वरना मेरा कोई मोटिव नहीं था इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने का, बट जब मैंने कमेंट्स देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक तरफ हम किसी के दुख को बांट रहे हैं, दूसरी तरफ हम सामने वाले को सेम चीज़ के लिए बद्दुआ दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। आई होप कि आप लोगों तक मेरी ये बात पहुँच रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा एग्जैक्टली इंटेंशन क्या है इस वीडियो का। आप लोग समझदार हैं, आई नो कि आप लोग ज़रूर इस बात को समझेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे। मेरा मोटिव कभी भी किसी के लिए हेट फैलाना नहीं होता। मेरा मोटिव हमेशा ये होता है कि मैं हेट को कम करने की कोशिश करूँ, चीज़ों को रिजॉल्व एंड सॉल्व करने की कोशिश करूँ अपने एंड पे। दूसरे की मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन मेरी बातों से अगर मैं 10 लोगों को भी कन्विंस कर पाऊँ तो मैं अपने आप को इस चीज़ में ब्लेस समझती हूँ कि यस, मैंने 10 लोगों को गलत चीज़ें करने से, गलत बोलने से रोक लिया। तो यही मेरा मोटिव होता है। एंड यस, यहीं पर ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।